मध्य प्रदेश में शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए सरकार एडी चोटी का जोर लगा रही है। इसके बाद भी सरकारी स्कूलों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं आदिवासी बाहुल्य जिले के अलीराजपुर की, जहां जौबट विधानसभा की छोटी खट्टाली की पुजारा फलिया में स्थित प्राथमिक विद्यालय भवन जर्जर होने से बच्चे मजबूरी में स्कूल के बाहर तंबू लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल की हालत तस्वीरें बयां कर रही है। आपको बता दें कि इस प्राथमिक शाला में 66 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं कुछ बच्चों को तंबू में तो कुछ को किचन शेड में बिठाकर शिक्षा दी जा रही है। शिक्षकों व रहवासियों ने कई बार इसकी शिकायत भी की है, फिर भी किसी अधिकारी का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। हालत यह है कि स्कूल भवन की छत से प्लास्टर व बरसात में पानी टपकता है। करीब 1.5 दशक पुराने इस भवन की स्थिति कई वर्षों से काफी दयनीय बनी हुई है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। शिक्षकों द्वारा कई वर्षों से शिक्षा विभाग की अफसरों को शिकायत पत्र दिया गया है या फिर इन अधिकारियों हर बैठ के पढ़ रहे, यह हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे शाला का भवन अत्यधिक जर्जर है। हमेशा उसमें प्लास्टर गिरता ही रहता है, तो बच्चों को कुछ हानि ना हो इसलिए हमने इनको बाहर बिठा के पढ़ाई करवा रहे हैं। अच्छा, कभी इसकी कोई शिकायत या आवेदन वगैरह नहीं दिया? हमने वरिष्ठ कार्यालय में आवेदन कई बार दिया है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक हमको कोई संतुष्ट जवाब नहीं आ रहा है। कुछ उचित मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है हमें। कितनी क्या बार दे चुके आवेदन? हम 4-5 बार तो दे चुके हैं आवेदन। कितने क्या बच्चे हैं यहाँ पे? यहाँ दर्ज 66 बच्चे हैं। शिक्षकों द्वारा कई वर्षों से शिक्षा विभाग के अफसरों को शिकायत पत्र दिया जा रहा है, फिर भी इन अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। शिक्षिका हेमलता राठौर ने बताया कि स्कूल को जमीन देने वाले दानदाता ने भी इसकी शिकायत की थी, फिर भी आज तक इसका निर्माण नहीं हो पाया है। छोटी खट्टाले माँ पुदेरिया फलिया में स्कूल हम लिख के दिन सिया बिया लिख के दिन चालू करिया तो कोई सुनवाई नहीं करिया। तो 2 साल बड़ी खट्टाली माँ रोड पर इसके लिए पूरा बच्चा बनाया तो फिर वहाँ से निकाल कर देता, तो फिर जहाँ से पानी लौट की जाए तो लेथड़ा उधर है तो बाहर बच्चा भुनावता तुम बताने जीत बात न दान दीदी सर बाढ़ने तैयारी मध्य रिया। ये जमीन किसने दी थी? ये मेरे नाव से जी भी मेरी नेपाली भी मेरी। तो वहाँ पे और दे रहे हो क्या? और भी दे रही है ना ओली दिस। क्या बोला अधिकारी ने? अधिकारी दाल नहीं पूछना आया है, पूछना उससे तो मैं दिस नहीं दान। तो आवेदन दिया तुमने? यहीं दिया था, यहीं लिखी जी। किसको दिया था? वही दानदाता इंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने नवीन स्कूल भवन बनवाने के लिए जमीन दान देने का फैसला किया। इस आदिवासी जिले में बच्चों को शिक्षा मिल सके इसलिए दानदाता जमीन देने को तैयार है। वही ऐसे अधिकारियों को इनसे सीख लेना चाहिए। हमारी स्कूल टूटी फूटी है, ऊपर से प्लास्टर गिर रहा है, इसलिए बाहर बैठे हैं। किसने बिठाया बाहर? मैडम द्वारा ने। कब से बैठो बाहर? जब से स्कूल। तो देखा आपने, एक तरफ तो प्रदेश की शिवराज सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई बड़े बड़े दावे करते नहीं थकती, लेकिन यह आलम यह है कि बच्चों को बैठने के लिए भवन नहीं है। अब देखना होगा कि इस खबर के प्रसारित होने के बाद शासन इसमें क्या करता है। अलीराजपुर से सुमित सालवी की रिपोर्ट।